हेलो फ्रेंड, विधिकांचल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 25 के बारे में, जिसमें अस्थाई निर्वाहिका और भरण पोषण के बारे में बताया, यानी सेक्शन 25 परमानेंट एलुमनी एंड मेंटेनेंस। ये किस प्रकार से मिल सकता है, मैं बता दूं कि इसमें पति हो या पत्नी, दोनों के ऊपर ये धारा लागू होता है, दोनों को इसके तहत रखा गया है। तो आइए हम आगे इसको अच्छे तरीके से डिटेल में जानने से पहले हम इसके कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं, ताकि बैकग्राउंड को जानने के बाद ही हम इस सेक्शन को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इस धारा का कहने का मतलब है, कोई भी ऐसा डिग्री जो कि न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन के तहत या डिवोर्स तलाक के तहत अगर कोई आदेश पारित हो गया हो या पारित होने वाला है, न्यायालय में वो मैटर चल रहा है, तो वहाँ पे धारा 25 के तहत जिसके खिलाफ ये आदेश पारित हो रहा होगा वो इसका आवेदन दे सकते, वो धारा 25 के तहत अस्थायी निर्वाहिका या भरण पोषण का मांग कर सकते। आप लोग समझ गए होंगे कि धारा 25 को किस जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि धारा 24 को न्यायिक पृथक्करण या तलाक के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि जब उसकी प्रोसीडिंग चलती है तो भरण पोषण की मांग दूसरा पार्टी कर सकता है, उसी तरीके से जब डिग्री पारित होने वाला है या डिग्री पारित हो चुका है, कमजोर पार्टी होगा, वो दूसरी पार्टी धारा 25 के तहत न्यायालय में आवेदन करेगा कि हमें अस्थायी निर्वाहिका दिलाया जाए या भरण पोषण ही दिलाई जाए। धारा 25 में देखें तो तीन उपधारा दिया, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। धारा 25 के उपधारा 1 में कहता है कि न्यायालय कोई डिग्री देते समय या डिग्री दिया जा चुका है, ऐसी आदेश में पक्षकार के प्रार्थना पत्र देने पर पति या पत्नी को आदेश दे सकता है कि आवेदक को पोषण तथा खर्च के लिए मासिक या वार्षिक दे। न्यायालय इस आदेश को जीवन काल तक जारी कर सकता है। आदेश जारी करते समय न्यायालय पक्षकार की आय अंक स्थिति को ध्यान में रखेगा। यानी बहुत ही सिंपल उपधारा ये कहता है, अगर कोई भी, जैसे मैंने बताया था, कोई भी आदेश पारित होने वाला है या पारित हो चुका है, तो जो इसमें सेकेंड पार्टी है जिसके खिलाफ में ये आदेश पारित होने वाला है या पारित हो रहा है, चाहे वो पति हो या पत्नी, एक आवेदन न्यायालय में लगा देगा कि हमें मासिक या वार्षिक पोषण या खर्च दिलाया जाए, क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं, हम इसका खर्चा नहीं चला सकते। तो ऐसा एक आवेदन सेकेंड पार्टी लगा देगा। इसके उपधारा 2 कहता है, यदि उपधारा 1 के आदेश में पक्षकारों में से किसी की परिस्थिति में बदलाव आता है तो न्यायालय आदेश में बदलाव कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि धारा 25 के उपधारा 1 में जो न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि जो वार्षिक या मासिक जो खर्च या पोषण जो देना है वो दिया जा रहा है, और दोनों पक्षकारों में से किसी की परिस्थिति में बदलाव आती है, जैसे कि पत्नी को भरण पोषण मिल रहा, पत्नी पति के साथ रहने के लिए तैयार है, या पति को भरण पोषण मिल रहा है, पति पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश में न्यायालय बदलाव कर सकता है। उपधारा 3 कहता है, यदि न्यायालय को समाधान हो जाता है कि इस धारा के अधीन जो आदेश दिया गया है उसमें से कोई पक्षकार पुनः विवाह कर लिया, यानी कहने का मतलब है कि पत्नी पतिव्रता नहीं रह गई या पति पत्नीव्रता नहीं रह गया, तब न्यायालय जो न्याय संगत समझे आदेश में बदलाव या विखंडित कर सकता है। उपधारा 3 का बहुत ही सिंपल, इसका भी कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पक्षकार ने, जिस पक्षकार को ये मेंटेनेंस मिल रहा है, वो पक्षकार दूसरा विवाह कर लेता है या पत्नीव्रता जो पतिव्रता जो फर्ज होता है उसको नहीं निभाता है, तो एक तरीके से न्यायालय उस आदेश को बदल सकता है, उसको रद्द कर सकता है। तो आपने इस वीडियो में धारा 25 को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, और आप लोग अगर मेरे विधि ज्ञान चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।